तो यार मैं अभी हूँ ओमान में और आज 16 तारीख है। यहाँ पे दिवाली पार्टी चल रही थी आज और यहाँ पे सब कोई ऑलमोस्ट मैंगलोर एरिया से है। तो हेलो, क्या बोले? नमस्कार, नमस्कार। Okay. मुझे भाई समझ नहीं आया, बट आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप लोग तुलू बोलते हैं। हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो अभी मैं ओमान में हूँ एंड आई थिंक आज 6वां या 7वां दिन है मेरा ओमान में। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है ओमान के बारे में कि ये लोग वादी के आसपास ना डैम और रिजर्वियर बना देते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि ओमान भाई आधे से ज़्यादा डेजर्टेड लैंड है और यहाँ पे पानी की दिक्कत है देश में। बारिशें भी कम होती हैं, कभी कभार होती हैं। भाभी, साल में कितनी बार बारिश हो जाती है? बारिश एक बार आता है, एक या दो बार, है ना, बस आता है। हाँ, हाँ, वो भी थोड़ी सी होती है कि आ जाता है। हाँ। मस्कत में नहीं आता, सलाला में होती है ना। सलाला में तो जैसे इंडिया में 2 महीना होती है। तो ये देखिए यार, ये वादी है और यहाँ पे इन्होंने डैम बना रखे है पानी को रिजर्व करने के लिए। तो पानी वैसे बहुत साफ है एंड सही, और ये पानी मस्कत तक जाता है। yeah. तो यूज़ करने के लिए मस्कत तक भेजते हैं यहाँ से। नाइस। इस साइड पानी पूरा स्टोर कर रखा है वादी का इन्होंने, एंड इस साइड भाई एग्रीकल्चर के लिए पानी छोड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फलाज ना, नीचे की तरफ। ओके। तो इधर भाई खेती वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए पानी छोड़ते हैं जितना भी चाहिए। और डैम है एंड आई थिंक यार यहाँ ओवरफ्लो तो पता नहीं 50 साल में एक बार ही होएगा शायद। बारिश कम होती है बट सही। हाँ, ये भर गया तो ओवरफ्लो होगा। जबल शम में आपको डिफरेंस क्या है? आप उसको चोटी के ऊपर है, नीचे देख रहे हैं, नीचे व्यू देख रहे हैं ना। हाँ, वो क्या ओमान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। हाँ। यार हमें जाना था जबल शम जब हम निज़वा गए थे, बट सनसेट होने वाला था, रात हो जाती तो व्यू दिखता ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं गए अगली बार। और सुंदर भी कितना है ना। हाँ। हम अभी यहाँ पे डैम से नीचे उतर के खेत वाले एरिया में आ रखे हैं और यहाँ पे इनका इरिगेशन सिस्टम है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाभी, ये लोग क्या बोलते हैं इसको? इधर फलाज बोलते हैं। फलाज बोलते हैं। हाँ। तो ये वादी से पानी आता है, ऐसे कैनल वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। और सामने यार केले के पेड़ की भी खेती है। हाँ। बट मेनली खजूर है सिर्फ, है ना। खजूर है और एक मैंगो ट्री भी। मैंगो ट्री भी है, देखो। हाँ, वो रहा मैंगो ट्री भी है भाई। ये केले का भी पेड़ है। हाँ। उधर भी है केले के पेड़। तो शायद थोड़ा शेड मिलता होगा, पानी है तो उग जाता है ना। हाँ। एंड ये ओमानी गवर्नमेंट का है कि लोगों का है खेत? ये प्राइवेट है। प्राइवेट है ना। हाँ, सही भाई। ये ऐसे नज़ारे हैं इधर तो ओमान में यार। एग्रीकल्चर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। एंड सलाला वाली साइड मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा खेती होती है, बट बाकी हाँ बाकी एरियाज़ में आपको ऐसा सीन दिखेगा। और खजूर यार ये लोग अपने खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हलवा बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में और वैसे कॉफ़ी के साथ भी खाने में। तो मेनली इनका खजूर रहता ही रहता है। और ये भाई देखिए, जो खेत थे ना वो इस तरफ थे यहाँ पे, एंड डैम है जो वो सामने है। तो आप लोगों ने ऊपर से देखा था कि यहाँ पे खेती हो रही थी और बस उतना ही पानी देते हैं जितना इन खेतों को चाहिए। तो ये सीन है। तो जनाब यार अभी हम लोग अपनी सेकंड लोकेशन पे आए हैं आज की, एंड इसको बीमा सिंखोल बोलते हैं और बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, आप लोग इधर से देख सकते हैं। तो बोला जाता है यार मेटियोराइट गिरा था तो उसने भाई यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी जमा है। तो सच है कि नहीं यार वो हमें नहीं पता है। और आप लोगों ने एक नमीबिया की वीडियो में देखा होगा, वहाँ पे मेटियोराइट गिरा था तो वो पत्थर की शेप में वहीं पड़ा रह गया था, उसने कोई खड्डा नहीं करा था। बट इस वाले ने बहुत ज़्यादा अंदर खड्डा कर दिया, तो इसको यहाँ पे सिंक होल बोलते हैं। तो यार व्यू कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है, एंड नीचे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। और बस यही ऐसे गोल सा बन गया मेटियोराइट के गिरने से, और अब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वादी शब 1 किलोमीटर। वादी शब पहुँचे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह भाई ओमान की। एंड कुछ नज़ारे ऐसे, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है और नीचे ये वादी है जो कि पहाड़ों से निकल रही है। एंड इधर भाई लोटस ही लोटस लगे हुए हैं। एंड अभी बोट पे बैठ के कहीं जाना है हमने, वादी के अंदर टूर के लिए या कुछ ऐसा सीन। और जो ये बोट सर्विस वगैरह है, एंड यहाँ पे जो रिसेप्शन पे है इधर खड़े हुए हैं लोग, वो ओमानी है भाई, वो काम सिर्फ ओमानी लोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन भी है। तो बोट है, एंड बोट यार हमें उस तरफ उतारेगी बस, दैट्स इट। इतना सफ़र है बोट में। जीसस। इधर भाई वादी वाली जगह देखिए केले की फार्मिंग हो रखी है। और सुनील भाई बता रहे हैं कि ये सब थोड़ा नवा चेंजेस हुआ है यहाँ पे, पहले नहीं था ये सब। एंड इस तरफ यार अब थोड़ा चल के कहीं जाना है, व्यू पॉइंट वाली जगह कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। तो यही सीन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे खेती हो रखी है केलों की। एंड सही, बिल्कुल पूरा सही सीन है। एंड दूसरी बात यार, ये जगह इसलिए भी फेमस है क्लिफ जंपिंग के लिए। तो एक कुछ रेड बुल जो कंपनी है वो अपना यहाँ पे कुछ टूर या कुछ प्रमोशन के टाइम साल में एक बार आती है, एंड तब यहाँ पे बहुत तगड़ी क्लिफ जंपिंग होती है। तो ये सीन भी है। तो यार यहाँ से ट्रेल है, हम लोग चलते चलते कहीं पहुँचे हैं। एंड यहाँ का व्यू थोड़ा मस्त दिख रहा है हमें वादी का, बट अब इधर पूरा सूखा पड़ा है, कोई पानी नहीं है। तो बारिशों के मौसम में भाई यहाँ पे पानी होता है, या जब भी बारिश हो। अभी सिर्फ व्यू और नज़ारे हैं। यार बहुत ज़्यादा लेकिन हाइप है इस जगह की, बहुत फेमस है। बट या दैट्स इट, वॉकिंग ट्रेल है एक तरह से, और व्यूज़ हैं बस। तो जनाब यार आधा घंटा चल के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये मेन एरिया भाई, यहाँ पे आपको इतना सारा पानी दिख रहा होगा, तालाब टाइप का, पॉन्ड टाइप का बना हुआ है वादी के अंदर, क्योंकि इस तरफ तो सारा ग्रीन और सूखा पड़ा है। तो इसको पॉन्ड कह सकते हैं, अभी वादी नहीं कहेंगे। और क्लिफ जंपिंग के टाइम भाई यहाँ से या यहाँ से कूदते होंगे इसके अंदर। बट मज़े की बात यार ये है, मेरे को लग रहा है ये पानी आर्टिफिशली पाइपों से भेजा हुआ है, नेचुरल इतनी बारिश नहीं हो रही कितना सारा पानी हो यहाँ पे। तो पीछे से ना इनके पाइप सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा एरिया में। तो ये लोग टूरिज़्म के लिए भी पानी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि मेन स्पॉट है ये फ़ोटो के लिए। तो ये सीन है भाई। इधर ह्यूमन ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, बहुत रश है, बहुत सारे लोग हैं। एंड थोड़ा सा आगे 3 किलोमीटर और आगे जाके ना एक केव्स है और वहाँ पे स्विमिंग करके ही जा सकते हैं, तो ये नज़ारा होने वाला है थोड़ा सा और आगे जाके। तो हम सोच रहे हैं भाई यही लास्ट स्टॉप बनाएं और चले वापस, क्योंकि रश भी बहुत है, आप लोग देख सकते हैं सामने, तो सही। एंड कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर आप स्विमिंग नहीं करोगे ना और फिर केव में नहीं जाओगे तो देखने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा सेम ही दिखेगा। वापस जा रहे हैं और वादी शब का वही सफ़र ख़त्म हुआ आज का, वापस उस तरफ जाना है हमने। इधर भाई हम सूर आ रखे थे गेड़ा मारने के लिए, वादी शब के पास एक टाउन पड़ता है और ये सामने ब्रिज है एंड ये यहाँ का एयरपोर्ट है। बच्चा पार्टी इधर बैठे हुए हैं और सही भाई, तो इधर यार ये लोग अपना जुआ वगैरह गेम खेल रहे हैं सामने, एंड नाइस। इधर भाई पेट्रोल स्टेशन आ रखे हम, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल ओमान में है 40 रुपये जनाब, ऑलमोस्ट 40 रुपये मान लो आप, तो पेट्रोल का प्राइस ये है। एंड बाकी यार ओमान की एक बात ये बड़ी फ़नी है कि यहाँ पे लोग यार पैदल नहीं चलते। मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यार, और हर टाइम दिन के हर टाइम सिर्फ गाड़ियों में है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों में है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई पैदल चल भी रहा है ना यार, तो वो लड़के लोग होते हैं, ओमानी लड़के या इंडियन पाकिस्तानी जो बाहर के लोग हैं, ठीक है। और इंडियन लड़कियां कभी कभार दिख जाएंगी, बट ओमानी लड़कियां भाई रोड पे चलते हुए बिल्कुल नहीं दिखेंगी, तो एक ये बड़ा फ़नी सीन लगता है मेरे को यहाँ पे। तो एक तरफ यार अफ़गानिस्तान हो गया, जहाँ पे तालिबान ज़बरदस्ती उन्हें रोकती है, लेकिन वो लोग कल्चरली चाहते हैं कि लड़कियाँ जाए बाहर भी घूमें, उनके कल्चर में फिर भी एक्सेप्टेबल है। और एक तरफ ओमान जहाँ पे सरकार ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, बट सोसाइटी भाई इतनी नैरो माइंडेड है कि लड़कियाँ गाड़ी से ही नहीं उतरती हैं, सिर्फ हर टाइम गाड़ी में या शॉपिंग मॉल में बस। तो भाई अलग ही सीन है, बट सही।